तो जब भी हम लोग आईमो पर अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं या फिर अपना नंबर डालकर लॉगिन करने जाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर लिखकर आता है प्लीज कंफर्म योर फोन नंबर। तो यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर लिखकर आता है कोड और वी जस्ट सेंड यू अ कोड दिस नंबर। तो यहाँ पर हमें बोलता है कि आपको आईमो विल कॉल यू इन 0.50 सेकेंड 1 मिनट ऐसा लिखकर आता है या आपको मैसेज भेजने का बोलता है। बट यहाँ पर आप ट्राई कर लेते हैं पूरा 1 मिनट तक वेट कर लेते हैं, यहाँ पर ये 0-0 हो जाता है तब तक आप वेट कर लेते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर आपको OTP कोड वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है। तो ये क्यों नहीं आता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप उसे कैसे सही कर सकते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये होता क्यों है, हो सकता है आईमो की सर्वर आईमो का सर्वर डाउन हो इसलिए भी ये कोड नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उसका सलूशन बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपको आ जाना है बैक और उसके बाद यहाँ पर आप अपने फोन की सेटिंग्स में आ जाइए। तो ये फोन की सेटिंग्स है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फोन की मोर सेटिंग्स में चले जाना है। तो ये रही मोर सेटिंग्स, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने फोन के एप्लीकेशन मैनेजर में जाना है, तो मेरा एप्लीकेशन मैनेजर मोर सेटिंग के अंदर था तो मुझे यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद आप मेरी वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। अब यहाँ पर आपको अपने मैसेजेस की एप्लीकेशन को सबसे पहले ढूंढ लेना है, तो यहाँ पर ये रही मेरी मैसेजेस की एप्लीकेशन, तो यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले फोर स्टॉप पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से ओके करके फोर स्टॉप कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टोरेज, तो यहाँ से इसे ओपन कर लेना है और एक बार यहाँ से क्लियर कैच कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और यहाँ से आपको परमिशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए मेरी एक SMS की परमिशन ऑफ हो रही है, ऑफ हो रखी है, इस वजह से ये मुझे SMS नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे ऑन कर देता हूँ, और अगर इसमें से आपकी एक भी ऑफ है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है OTP कोड आने में, तो आप सारी की सारी ऑन कर दीजिए। अगर आपकी सारी की सारी ऑन है तो एक बार ऑफ करके इसे ऑन कर दीजिए और उसके बाद आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है अपने आईमो की एप्लीकेशन को, तो ये रही आईमो की एप्लीकेशन, तो यहाँ से इसे ओपन कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर एक बार फोर स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप स्टोरेज पर चले जाइए और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आप क्लियर डेटा देख पाएंगे, तो उससे पहले आप पहले क्लियर कैचे पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप क्लियर डेटा भी बेफिक्र होके कर दीजिए, आपका कोई भी डेटा यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सारी परमिशन आपको दे देनी है, कैमरे की, कॉन्टैक्ट्स की, लोकेशन की, माइक्रोफोन की, स्टोरेज की, और उसके बाद आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक और बार बैक आना है और आपको अब यहाँ पर आईमो की एप्लीकेशन पर चले जाना है और अब आपको यहाँ पर अपना नंबर टाइप करके यहाँ पर ओके कर देना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर हमें कोड भी आ चुका है, देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गया है। तो इस तरीके से आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं OTP से रिलेटेड, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो हो सकता है यहाँ पर आपके सिम कार्ड में प्रॉब्लम होगी। आप अपने सिम कार्ड के कस्टमर केयर पर बात कर लीजिए, जो भी आपका सिम कार्ड है, हो सकता है आपके कस्टमर केयर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो एक बार कस्टमर केयर को कॉल करके बोलिए कि आपको OTP नहीं आ रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।